नमस्कार दोस्तों, चार्ट ऑफ द वीक की एक और नई एपिसोड में आप सभी का मैं मुकेश मेनरिया बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं स्मार्ट गुरु मुकेश चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक के बारे में। दोस्तों, हर वीक में हम लोग सैटरडे को चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक्स डिस्कस करते हैं और वो स्टॉक्स लाता हूँ दोस्तों जो कि उन स्टॉक्स में कुछ एक्टिविटी होने वाली हो, जैसे कि कुछ चार्ट पैटर्न्स बन रहा हो, कोई प्राइस एक्शन बन रहा है, या कोई सपोर्ट के पास है, या कोई लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया है, या पिछला कोई मल्टी ईयर रेजिस्टेंस ब्रेक किया हो, ऐसे स्टॉक्स में आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो वैसे ही आज कुछ दो स्टॉक्स है और एक स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में चल रहा है। पिछले 2015 से लेके वो स्टॉक्स ने डाउन ट्रेंड में चल रहा था, अब उस स्टॉक्स में एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न बना है जिसे हम लोग इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। तो दूसरा जो स्टॉक्स है दोस्तों, उसमें बना है लाइफ टाइम हाई के ऊपर वो क्लोजिंग हुआ है। वो स्टॉक्स मैंने लास्ट चार्ट ऑफ द वीक में भी कवर किया था, जिसका नाम है भारत फोर्ज, और वो उसमें कप विद हैंडल पैटर्न बना है और उसने क्लोजिंग भी दिया है वीकली बेसिस पे और उसके अंदर वॉल्यूम भी ज़बरदस्त यहाँ पे बिल्डअप हुआ है। दोनों स्टॉक्स हम लोग पूरी डिटेल से एनालिसिस करेंगे और उस स्टॉक्स में कहाँ पे हमारी बाइंग होगी, कहाँ पे हमारा टारगेट होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा और कितने टाइम के लिए होल्ड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये हम लोग वीकली बेसिस पे चार्ट को देख रहे हैं तो इसमें हमारा व्यू एक साल दो साल का होना चाहिए, कम से कम एक साल और ज़्यादा से ज़्यादा आपको दो अढ़ाई साल के लिए इस स्टॉक्स में निवेश करके एक अच्छा पेशन आप बना के रखोगे तो अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। जैसे कि हम लोग पिछले एक डेढ़ साल से चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक्स यहाँ पे देख रहे हैं तो वो स्टॉक्स कई सारे स्टॉक है जो यहाँ से डबल हुए हैं और वो स्टॉक्स में आपको कभी चार्ट ऑफ द वीक में यहाँ पे आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो आज के चलते हम लोग चार्ट ऑफ द वीक के स्टॉक की ओर। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मेहनत लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, इसमें मेरी कोई पर्सनल सलाह नहीं है या रिकमेंडेशन नहीं है इसमें कि आप बाय जो भी स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं तो इसमें इन्वेस्ट करें। अगर करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें और ख़ुद की स्टडी ज़रूर करें। दोस्तों, एक जो स्टॉक्स मैंने दिया था अभी एक डेढ़ महीने पहले, जो कि स्टॉक्स है शिपयार्ड कोचिंग शिपयार्ड, उस स्टॉक्स में भी वहाँ से एक महीने में आपको 25% रिटर्न उसमें मिला है, सिर्फ एक महीने। जैसे कि मैंने अपार इंडस्ट्री में भी दिया था, वो स्टॉक्स में भी ज़बरदस्त हमारे टारगेट हिट हुए और अच्छा प्रॉफिट उसमें भी बना के दिया। अगर आप लोग ये वीडियोस देख के अच्छा मुनाफा अर्न करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों आप लोग के कमेंट और लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेट मिलता है तो और भी एनर्जी मिलती है। तो प्लीज़ इतना ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, जो कोचिंग शिपयार्ड है वो अभी कहाँ पे है और हमने कहाँ पे दिया, अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में दे दूँगा, वो ज़रूर जाके देख सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हम अपने चार्ट ऑफ द वीक के स्टॉक की ओर। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा कौन सा चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक्स है। दोस्तों, आज का हमारा चार्ट ऑफ द वीक का पहला स्टॉक्स है गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड। दोस्तों, इस स्टॉक्स में 95.6 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस स्टॉक्स में मैंने ऐसा क्या देखा है कि इस स्टॉक को मैंने पिक किया, अभी मैंने आपको बताया था। उससे पहले हम लोग इसका मार्केट कैप एनालाइज कर लेते हैं और जो ओवरऑल हम लोग जो भी हमारा फंडामेंटल है छोटा मोटा हम लोग यहाँ पे देखना ज़रूरी है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट कैप की बात करें तो 4,624 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है और इसकी क्लोजिंग जो भाव है करंट प्राइस वो 95.6 के अराउंड कुछ क्लोजिंग हुई है। ठीक है, इसने जो हाई लगाया है वो 112 का है और जो लो लगाया 52 हाई और लो यहाँ पे दोनों आप देख सकते हो। तो 112 का 52 वीक हाई है और 70 यानी कि 70.30 का यहाँ पे इसने 52 वीक लो लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे इस स्टॉक का पी देखें, स्टॉक का पी तो 18.7 का यहाँ पे पी है तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि स्टॉक का पी यहाँ पे बाइंग के लिए हमारा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
बुक वैल्यू यहाँ पे 42.3 का यहाँ पे बुक वैल्यू आप देख सकते हो, ठीक है। फेस वैल्यू 10 का आप यहाँ पे देख सकते हैं। आरओसी यहाँ पे 15.0 का है। आरओई यहाँ पे 9.67 का आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसका प्रमोटर होल्डिंग का हम लोग देख लेते हैं, इस स्टॉक्स में कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी है और किसके पास FISDIs की, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस स्टॉक्स में प्रमोटर होल्डिंग 2019 से आप देखिए, यहाँ पे देखिए 43.01, एक 43.01 आप 2020 में देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है यहाँ पे बढ़ा है, तो इसमें प्रमोटर होल्डिंग 44.01 का यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग है। FIs का यहाँ पे देखिए आप, जो कि पिछले साल से यहाँ पे एक अच्छी इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट जो DIs की है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इनमें पोजीशन है, बढ़ाई है, आप देख सकते हो। जो पब्लिक का है, जो हम लोग हैं पब्लिक का, यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ी यहाँ पे डिक्रीज हुआ है पोजीशन, यहाँ पे पिछले साल से यहाँ पे थोड़ा पोजीशन, जो जून महीने से यहाँ पे देखे ना, तो यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा एक देखना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत हम फंडामेंटल भी देखें। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे ओनली टेक्निकल एनालिसिस देख रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल हमें थोड़ा बहुत ये आइडिया रहेगा तो और अच्छा हमारे लिए, जो एक बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं इसका चार्ट के ऊपर और देखते हैं क्या चार्ट पैटर्न बनाए। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने चार्ट है इसका, ठीक है। गुजरात पीपा पाव पोर्ट लिमिटेड, यहाँ पे दोस्तों इस स्टॉक्स ने देखिए 2015, अब इसको थोड़ा मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और थोड़ा देखिए, इस स्टॉक्स ने 2015 में जो हाई लगाया था अराउंड कुछ तो 260 के पास, उसके बाद में स्टॉक्स में देखिए काफ़ी सारी गिरावट आई है और ये पिछले 7 साल से स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब यहाँ पे इसने एक सपोर्ट के आसपास देखिए पिछला ये सपोर्ट रहा है, जो कि मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए देखिए मल्टी ईयर सपोर्ट, पिछला सपोर्ट के आसपास में ये चार्ट पैटर्न बनना और ये मूविंग एवरेज जो आपको दे रहे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप देख सकते हो, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब ये देखिए शॉर्ट टर्म का टारगेट हम लोग लेके चलेंगे तो भी हमारा अच्छा व्यू रहेगा, अगर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इसमें थोड़ा स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, आप कहाँ पे देख सकते हो, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। देखिए इस, ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हमारा हेड और ये हो गया राइट शोल्डर और ये आपकी नेकलाइन हो गई, ठीक है। तो इस नेकलाइन के ऊपर क्लोज हुआ और जो इसका मेन हम लोग वॉल्यूम का बात करते हैं हर टाइम, आप वॉल्यूम देखिए बहुत ही जबर, जब भी ये यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था तब भी वॉल्यूम आप देखिए, वॉल्यूम में कोई इसमें एक्टिविटी नहीं थी और जैसे ही इसने ब्रेक किया इस ये नेकलाइन को, वॉल्यूम आप देखिए, तो जो वॉल्यूम है वो हमें बताता कि यहाँ पे कोई ना कोई बड़ी एक्टिविटी होने वाली है और इस लेवल के ऊपर बड़े FISDIs जो भी इंस्टीट्यूट है वो लोग बाइंग कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे 95 यानी 96 के ऊपर अगर ये स्टॉक्स निकलता है तो हम बाइंग कर सकते हैं, अगर अदरवाइज यहाँ पे देखिए दोस्तों थोड़ा एक बार रिटेस्ट होने के लिए आएगा, अगर कन्फर्म आपको बाइंग करना है। बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो एक बार रिटेस्ट होता ही नहीं है, डायरेक्ट वो नीचे आते हैं, होते हैं बहुत स्ट्रेप भी होते हैं, लेकिन हमें देखना होता है कि यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है, अगर यहाँ पे बाइंग करोगे तो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा। ये स्विंग जो राइट साइड का जो हेड हेड ये भी हेड है ना, इसके ऊपर आप शोल्डर के नीचे का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो और ये आपका यहाँ पे बाइंग प्राइस होगा। अदरवाइज आप ये इसके हाई के ऊपर भी बाई 96 के ऊपर बाइंग कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 120 और सेकंड टारगेट रहेगा 160 का, आप यहाँ पे ये लेवल लेके चल सकते हो, ठीक है।
तो ये दोनों टारगेट मैंने आपको बता दिए। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है, तो ये भी अच्छा हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इसका RSI है, RSI ये भी इसमें एक 60 के 50 के ऊपर है, तो यहाँ पे एक बार इसमें थोड़ी यहाँ पे बाउंस बैक, यहाँ पे पुल बैक देखने को मिल सकती है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पे घबरा के वहाँ पे कमेंट करने लगे कि ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप रिटेस्ट के बात करोगे तो और भी आपके लिए अच्छा प्लस पॉइंट है। तो इसके ऊपर ज़रूर अपनी स्टडी करें और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। अभी हम लोग देखते हैं दूसरा जो स्टॉक्स है आज का हमारा, दूसरा स्टॉक्स है भारत फोर्ज। ये मैंने स्टॉक्स आपको ऑलरेडी लास्ट वीक में बताया, लेकिन वो वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग बहुत ही ख़राब थी, इसलिए मैंने उसको डिलीट किया है। तो इसको मैं फिर से कवर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जब भी लास्ट वीक में हमने दिया था तभी ये कैंडल बनी थी और इस ब्रेकआउट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे और भी अच्छा हमें कंफर्म हो गया है कि स्टॉक अभी यहाँ से निकल रहा है। और इस भारत फोर्ज में दोस्तों, इसका जो पिछला 2018 का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे 2021 का रेजिस्टेंस था और यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है, कमाल का यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस आसपास यहाँ पे कहीं ना कहीं ये, एक मिनट, यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन बना। और यहाँ पे देख, आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था और नीचे आया। अब यहाँ पे भी डबल टॉप बन के ये स्टॉक्स ने फिर से नीचे आया और यहाँ पे एक बार फिर से ये स्टॉक्स ने एक यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, अगर आप ध्यान से चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो। ठीक है, तो ये मल्टी ईयर चार्ट पैटर्न्स को, चार्ट को ब्रेक किया है और ये कप विथ हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। और वॉल्यूम आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि वॉल्यूम में भी अच्छा खासा इसमें यहाँ पे बिल्डअप हुआ है। अब यहाँ पे हमें बाइंग करना है, तो मैंने लास्ट वीक में आपको 70 के ऊपर निकलता तब बाइंग के लिए बोला। अगर आपको यहाँ पे एक बार पुल बैक होने के लिए वेट करना है तो कर सकते हो। जैसे ही आपको 850 840 के अराउंड कुछ मिलता है तो यहाँ पे आप एक बार यहाँ पे बाइंग के लिए सोच सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों आपका 700 का। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए तो सोचना ही नहीं है, हमें कम से कम 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए सोचना है, तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा 700 का। ये आपको इस पॉइंट के आसपास कुछ स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, टारगेट की बात करूँ तो टारगेट में आपको यहाँ पे इसका हम लोग फिबोनाची से निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टारगेट देख लेते हैं, एक बार इसको रिमूव कर लूँ। देखिए दोस्तों, जो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई है उसके लिए हमें टारगेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे मैं आपको टारगेट निकाल के इसका हाई पॉइंट और ये निकालूँ तो आप आगे हमें टारगेट दिखेगा जो ऑल टाइम हाई के ऊपर, उसके लिए हमें टारगेट के लिए जाना है। तो हमें फर्स्ट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है 1158 का फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा दोस्तों हमारा 1700 का है, वो बहुत दूर है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक 1700 का टारगेट रहेगा। ये दोनों टारगेट के लिए हम होल्ड कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी इसमें हमें चार्ट के ऊपर टारगेट दिखते हुए नज़र आएंगे। तो ये दोनों टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हो। अगर आपको 1 से 2 साल के लिए होल्ड करना है तो ये दोनों टारगेट आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे चार्ट ऑफ द वीक के दोनों स्टॉक्स। अब मैं लास्ट वीक का जो अमर राजा बैटरीज का मैंने थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि जब भी मैंने आपको बताया इस नेक नाइल के ब्रेक किया था, डबल बॉटम बनाया था और उसके बाद में देखिए इसके हाई के ऊपर 580 के ऊपर बाइंग के लिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस स्टॉक्स ने यहाँ पे हाई लगाया था 638 का हाई लगाया था, तो एक ही वीक में एक अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक्स में मिला है। तो दोस्तों, ऐसे इस टाइप के यहाँ पे स्टॉक्स चार्ट ऑफ द वीक हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं लाइव मार्केट में कुछ टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन कॉल, स्टॉक की ऑप्शन कॉल मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो
चार्ट भी पोस्ट करता हूँ। तो बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हो।